नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा पिछले 24 घंटों के दौरान जो पूर्व मध्य भारत था वहाँ पे एक निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय था, और वहाँ पे आप सैटेलाइट इमेजरी में क्लाउडीनेस भी देख सकते हैं रीवा संभाग के आसपास। साथ में एक आपसूर ट्रफ भी गुजरात कोस्ट से लेकर जो पश्चिम भारतीय तट है उसके समानांतर सक्रिय था, और इस पूरे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ। ये लगभग लगभग पिछले 24 घंटों से लेके अभी तक ये जारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम वर्षा इंदौर में 15 सेंटीमीटर, जबकि उमरिया में 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि लगभग 26 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे भारी वर्षा और 10 स्टेशन में वेरी हैवी रेनफॉल माने अति भारी वर्षा, 12 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अभी फिलहाल जो सिस्टम की सिचुएशन है आप प्रेस रिलीज में देख सकते हैं, जो लो प्रेशर एरिया था ये रीवा संभाग के आसपास ही विलमार्क लो प्रेशर एरिया माने अति तीव्र निम्न दाब क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुका है, और साथ में जो मानसून ट्रफ है ये जैसलमेर और खजुराहो से होते हुए इस विलमार्क लो प्रेशर एरिया से होते हुए रांची से गुजर रहा है। आपसोर ट्रफ अपनी नियर पोजिशन पे है, साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ भी पश्चिम उत्तर भारत को प्रभावित कर रहा है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में कई जगहों पे हमने रेड और ऑरेंज अलर्ट अगले 2 से 3 दिनों के लिए दिया हुआ है, जो आप मैप में देख सकते हैं। जैसे रायसेन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, यहाँ पे जो अत्यधिक भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल माने 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के कई जिलों पे ऑरेंज अलर्ट जो आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल माने 12 सेंटीमीटर से लेकर 21 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है, जबकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और रीवा संभाग और शहडोल संभाग के कुछ जिलों जो लगे हुए हैं वहाँ पे येलो अलर्ट माने भारी वर्षा, 6 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। साथ ही इन क्षेत्रों में जिसमें इंदौर, उज्जैन संभाग, भोपाल, सागर और ग्वालियर संभाग, जहां पे वज्रपात का खतरा बना हुआ है, जहां पे बिजली गिरने की संभावना है, और इसी के साथ साथ जो अगले 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियां जो कि कंटिन्यू रहेंगी, तो नर्मदा बेसिन और क्षिप्रा बेसिन और साथ बेतवा बेसिन का जो लगभग लगभग अपर और मिडिल एंड लोअर सभी पार्ट आपका जो मध्यम से तीव्र बाढ़ का खतरा है, फ्लैश फ्लड का रिस्क रहेगा, जहाँ पे जनसाधारण को प्रॉपर केयर की जरूरत है। अगर हम डे 2 की बात करें तो 25 अगस्त में भी ये सिस्टम और प्रभावशाली होते हुए 25-26 अगस्त के दरमियान ये डिप्रेशन में बदल सकता है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय रहेगा। इंदौर, उज्जैन संभाग के लगभग लगभग सभी जिलों में कल भी रेड अलर्ट रहेगा, जबकि उनसे लगे हुए दूसरे जिलों में ऑरेंज अलर्ट हो सकता है। 26 अगस्त की बात करें 72 घंटे में, तो सिस्टम राजस्थान और गुजरात की तरफ मूव कर जाएगा और मध्य प्रदेश में इसका असर कम हो जाएगा। हालांकि इंदौर संभाग के कुछ जिलों में साथ में कुछ जैसे रतलाम, उज्जैन, यहाँ पे भी एक आध जगह भारी वर्षा 72 घंटे के दौरान भी देखी जा सकती है, और उसके बाद वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी घट जाएंगी, और 30 अगस्त से एक बार फिर से वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।